तो पाकिस्तान ही खितो जिन मसलन में हिंसर फाथो आची उन्हें निकरण जो तरीको यो अन तो वे जीएमसी के गाल अमल कन। नादरीन असी मौजूद आयो कराची प्रेस क्लब में जिते जीएस सिंध मुआज पारा सिंध के अजीम डाहे साई जीएम सैयद की 120 सालगिरह जो सो मलाई पी वे अचो तो इतने मुकररीन से गलायूं था उन्होंने जो चवण है साईं। बस यो आड़ो त सफर जीएम सैयद जो फिक्र खुद ब खुद जंजीर कैद दीवार टोड़े करे तो पो अस कोशिश क्यों था पा तो उनके अना फैलायूं जीएम सैयद फिक्री रहनुमा रबर आ को पीर मुर्शिद को लाजमी हो जे तो उन कब्र ते ही वही उतने इखराज पेश तो कर सकते। सो जीएस माज खास तौर साईं जी वफात का कोशिश कंदा सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में क्यों खास तौर कराची हाँ सबा का वा चैलेंज असा वजूदी चैलेंज उनको मरकज़ कराची आ तो कौमी जदोजहद मरकज़ भी कराची होजन खपे उन हिसाब से अस इतने ये साईं की सालगिरह कई आई इतने भी चई आयस तो पाकिस्तान ही खितो जिन मसलन में हिंसर फाथो आची उन्हें निकरण जो तरीको यो अन तो वे जीएमसी के गाल अमल कन। जीएमसी के पैं गाल तारीख में यो पैगाम खड़ी आयो वो पान अग में मजहबी सियासत पो कर तजर्बा करे हथ साड़ाई न नतीजे ते आयो आया तो मजहब के सियासत से अलग करण घुर्जे तो हुक्मरान के भी अस मैसेज दियण था चाहूँ तो जैसे तुम में अना भी कोई सुधारे जो इम्कान है तो इन रस्ते ते अचो। साईं इतने जो हुक्मरान तबको आ जैमें सियासतदान बन जज बन जर्नल बन ब्यूरोक्रेट इन दुनिया बी आके पॉलिसी उन्होंने रोजमर्रा मसला उन्होंने वास्तो ही कोने को तेरे वो कन था पर उन्होंने याद जारींदुस तो यहाँ फ्रेंच इनकलाब वाली सूरत हाल से था वनो पाया उतें जो हुक्मरान तबको जो हो मानुन का एडो कटल हो जो मशहूर गाल पढ़ी होंगी तो उत मू जैसे जुलूस कड़िया बास्टाइल के किले से पा मू वन तो उन्हें पुछो बादशाह के घर वाले मान कहते छाते गोड़ कन चई इन मानी कान थी मिले चई मानी नी मिले तो केक खान माना वो हकीकत का एडो कटल हा तो हुक्मरान अड़ी हालत में जन ना सुधरिया तो इतने बिल्कुल इनकलाब इनकलाब वन था मू हाँ बिल्कुल जैसे बुख मरंदा मू इन किचन में हथ विझा मू मानुन के भी मां यो चवंदुस इन सुधारे जी का उम्मीद रखण अजाई आ काने का तारीख में वेड़ सवाबी बा। हाँ तो साईं जी अस 120 वर्सी मल्हाई से और चवण यो हो तो साईं जीएम सही जो जो पैगाम हो वो पैगाम सुफियन पैगाम हो अमन जो पैगाम हो मजहब ए फिरके नफरत का निकरंदे पैगाम हो उनके चवण यो हो तो अड़ी रियासत जैमें अवाम दोस्त रियासत हो जैमें मान कदर वे पुरअमन दुनिया कायम कई तो यो पैगाम हो जो अस वजन की कोशिश कई प्रोग्राम में जो है एडो पुर उम्मीद आया न तो घणो करे इन किस्म के इज्तिमा में वेंदो आया तो उते रुगो शामी गरीबा हुंदी आ इन इज्तिमा में इहा ॻाल्हि ही त इन मुल्क के बचाइण में भी जीएम सैयद किरदार हो हाँ भी है मुल्क जीएम सैयद के फिक्र ए फिलसफे से बचाए तो सकते इहा ॻाल्हि कयां त तई सही आ बी वॾी ॻाल्हि आहे त ही कराची जो है असांजे गादी जो हंधु आहे उते जीएम सैयद जी सालगिरह मल्हाइण माना हिकिड़ो नओ पैगाम था ॾियूं असां सिंध खे। मुझे ख्याल में हाँ सिंध के मानून के जो पुराने अगे अगाटे दौर में जैसे एक पॉइंट से मू सिंध जहाँ मुतहद थींदा हा मसलन सिंध की बम्बई का आज़ादी माना सिंध की बम्बई वन्यूट न खपे वन्यूट टुटो एमआरडी में थी तो कड़े भी किस्म की जमूरियत बहाल थी तो माना जमूरियत बहाल थे हाँ इन वक्त सिंध के लिए एकड़ी गाल है तो सिंध में वर्क परमिट लागू कियो धारिन की आबादकारी जो सवले में सवलो तरीको है तो इतने वर्क परमिट लागू कियो इतने कंखे मिल्कियत खरीद करण अख्तियार न होजे इतने कंखे जो है सो शहरी हक न होजन इतना जहाँ उन्होंने वर्क परमिट दियो वर्क परमिट जैसे सारी दुनिया में थी हले तो असा ठीक होना है समझा तो यो इलाज है समझो।
नाजरीन तुम बुदो तो इतने जो मुकर्रीन हुआ उन्होंने यो चवण हो मुल्क के न मुआशी बुहरान में कढ़णो है मुल्क जो हालत सुधारणियों सिंध के अजीम डाय साईं जी एम सैद के ही फॉलो करो पव तद ही मुल्क सुधारे तरफ वही सके तो। कैमरामैन टीम से गुलाम महदी अवामी आवाज़ कराची।